संदीप महेश्वरी की एक वीडियो द पावर ऑफ इंडियन कल्चर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी और कई लोगों ने उस पर रिएक्शंस रील्स वगैरह बनाए थे। तो उनमें से एक यूट्यूबर है श्वेताब गंगवर। अगर आप थोड़ा भी यूट्यूब काफ़ी पहले से यूज़ करते हो तो आपको शायद इनका नाम पता होगा। पिछले 2 या 3 साल पहले तक ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, अब जाके इनकी पता नहीं क्यों व्यूअरशिप काफ़ी डाउन हो गई है। बट इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें कही उस वीडियो के अंदर, जो पर्सनली अगर संदीप महेश्वरी की बात करें तो उन्होंने पहले संस्कृत के बारे में काफ़ी गलत बात कही थी, क्योंकि संस्कृत में जो भी बुक्स लिखी गई है पास्ट में वो सब हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है, इंग्लिश में हो चुकी है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ लूंगा ना इंग्लिश में ही पढ़ लूंगा, जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे एक आइडिया हो सकता है, जस्ट माई थॉट, या तो इसको स्क्रैप कर दिया जाए तो अगेन बर्डन कम होगा। सोचो एक तरफ से आप फ्रेंच पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो, ऊपर से जाकर के ट्यूशन भी लेनी पड़ रही है उनको, ऊपर से उसका कोई यूज ही नहीं है। अपने माँ बाप को देखा है कभी संस्कृत में एक दूसरे से बात करते हुए? त्वम किम करिष्यामि, हम खाना बनिष्यामि। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको 100% सपोर्ट करते हैं, बट वो जब भी कोई सही बात जो भी करता है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं और उसकी बातों को हम लोग समझते भी हैं। बट श्वेताब ने कुछ ऐसी बातें करी वेदों के बारे में उस वीडियो के अंदर, जो कि मुझे लगा कि यार श्वेताब को शायद पूरी नॉलेज नहीं है। वेदास में एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है, एंड आई अंडरस्टैंड, ये सेम प्रॉब्लम तुम्हारी महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी बात करी थी इस पे। एक्चुअल उन्होंने पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी सेम चीज पे कि वेदास की सुप्रीमेसी, द बुक्स दैट ही बेसिकली सर कि हमें हिंदुइज्म को जहाँ पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम वो ये चीज़ उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी बहुत तगड़ी तरह से, कितने लोग फॉल्स प्रैक्टिसेस फैला रहे हैं, अंधविश्वास चल रहा है, मूर्ति पूजा पे बहुत भयंकर उनका वो था, और वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए भयंकर लेवल पे डिबेट किए, कहाँ कहाँ जा जाके पन किस किस को परास्त करते रहते थे, वो उड़ा उड़ा के तुम्हारे क्रिश्चियन मिशनरीज से लेके मुस्लिम स्कॉलर से लेके तुम्हारे ऊपर से नीचे तक जितने गुरु गुरु तुम कह लो। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेदास के टीचर वॉज दयानंद सरस्वती। उन्होंने ना तो कोई श्लोक बताया कि ये भाई इस श्लोक में ऐसा लिखा है, उन्होंने मूर्ति पूजा को बोला कि भाई हिंदुइज्म में मूर्ति पूजा नहीं है, ये लोग कितना गलत कर रहे हैं, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला। अब दिक्कत ये है कि उनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ये बात अलग है कि उनके जो व्यूज़ हैं बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है उनका वीडियोज़ देखते हुए कि वो और जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनको मिल्क करना चाहते ताकि उनके व्यूज़ बढ़ें, बट वो वाली बात हम कभी और करेंगे। बट आज जो उन्होंने बातें करी वो मैं आपको वीडियो प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अब हुआ क्या, उन्होंने जो वीडियो है वो वाली डिलीट कर दी। अब डिलीट किस लिए करी होगी, बेशक उनको कुछ उन्होंने गलत बात कही होगी इसीलिए, बट वाली वीडियो कुछ कोई कोई लोग डाउनलोड कर लेते, तो किसी ने डाउनलोड करी थी। मैंने जब यूट्यूब पे सर्च करी तो पूरी वीडियो मेरे को मिल गई। मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दूंगा और मैंने सारे टाइम स्टैम्प्स भी उस वीडियो में डाल रखे जहाँ पर मुझे लगता है कि यार वो हिंदुज़म के बारे में गलत चीज़ बता रहे हैं, और गलत बताएं अगर वो गलत है उसका प्रूफ हमेशा देना चाहिए। जब भी आप ऐसे कोई बात करो कि भाई इस श्लोक में लिखा है या फिर इस गुरु ने ऐसा कहा है, बट उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं करा, आपको भी थोड़ा गुस्सा आ सकता है, बट गुस्से से ज़्यादा हमको इसको वीडियो को फैलाना होगा ताकि जो भी लोग, क्योंकि 1-2 लाख बच्चे जो होते हैं जाते हैं, इनकी जो ऑडियंस है मेनली वही है, 25-24 तक की इनकी ऑडियंस है, और उनको मैनिपुलेट करना गलत बात है। तो इस वाली वीडियोज़ में सारा मैं समझाऊँगा कि भाई उन्होंने क्या गलत बात बोली, क्यों बोली, और मुझे क्यों लगता है कि वो गलत है। तो जो पूरी वीडियो थी उसके अंदर मुझे जो पॉइंट सबसे ज़्यादा लगा कि भाई उनको सही में नॉलेज नहीं है, वो ये कि वो मूर्ति पूजा को गलत बताने में कई, उन्होंने लगभग 3-4 बार साफ साफ बोला है कि मूर्ति पूजा वेदों में नहीं है, जो वेद हैं वो मोनोथिज्म में मानते हैं यानी कि एक भगवान में, वो मुझे कई बार सुनाई दिया। उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे उन्होंने बहुत सारी डिबेट्स करी कि मूर्ति पूजा गलत है और हिंदुज़म में काफ़ी सारे अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और वेद कैसे मोनोथिज्म में मानते हैं, ये वाली वीडियो देखिए आप। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको वो नाम देते हैं? बट वेदास ये कहते हैं, यू नो ऑल नोइंग तुम्हारा वेदास का है, लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम वो ये चीज उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी बहुत तगड़ी तरह से, कितने लोग फॉल्स प्रैक्टिसेस फैला रहे हैं, अंधविश्वास चल रहा है, मूर्ति पूजा पे बहुत भयंकर उनका वो था, और वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए भयंकर लेवल पे डिबेट किए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कोई श्लोक बताऊं तो देखो हिंदुओं को ना तो श्लोक का ज्ञान है ना ही संस्कृत का, तो आपको मैं बता दूंगा, आप लोगों को समझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये तो सही है, बट मैं आपको
एग्जांपल से समझाऊंगा कि क्यों हमारे यहाँ मूर्ति पूजा है। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, आप फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा इस पर जो डायरेक्टली इसी पे होगी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ एग्जांपल से ही चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं फ्यूचर में आपके पास कोई ऐसी दिक्कत आए। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी बहुत ही ज़्यादा महान थे, मैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं कह रहा, पर उनसे पहले भी एक बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति हमारे पृथ्वी पर आए थे जिनको शिव जी का अवतार कहा जाता है, जिन्होंने चार धाम की स्थापना भी करी थी। अगर आपको उनका नाम पता है तो पहले कमेंट कर दीजिए, पॉज करके फिर वीडियो आगे देखिए। तो उनका नाम था आदि गुरु शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी। तो ये नाम आपको सुन के एक फ़ोटो तो याद आ ही गई होगी आपके दिमाग में, ये कौन थे, इनके बारे में भी डिटेल में कभी और बात करेंगे। बट बेसिकली उन्होंने जो बौद्ध मत बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था, वो लोग यही बोल रहे थे कि भाई हमको शून्य की तरफ जाना है, सब कुछ ख़त्म करना है, तो साउथ से शंकराचार्य जी चले और सबको परास्त करते हुए चारों धामों को स्थापित करा। क्या चारों धामों में मूर्ति पूजा नहीं होती, मुझको ये बताइए। एक व्यक्ति हैं आदि शंकराचार्य, जिनको हम लोग शिव जी का अवतार मानते हैं, जिन्होंने चार धाम यात्रा अगर आप करोगे तो आप चारों धामों में जाओगे, वहाँ पर आप जाके मूर्ति पूजा ही करोगे। तो एक तरफ तो हमें एक पुरुष को बोल रहे हैं कि ये जो शंकराचार्य जी हैं, ये अवतार हैं, इन्होंने पूरे बौद्ध मत को ख़त्म करा जब वो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था, सब लोग उसी में कन्वर्ट हो रहे थे उसको इजी समझ के, बट वहाँ से शंकराचार्य चले, उन्होंने वेदों से एग्जांपल दे दे के ये समझाया कि कैसे मूर्ति पूजा होती है। उन्होंने इतनी सारी मूर्तियाँ स्थापित करी ना, चारों जो आपके धाम है वहाँ पर हर जगह मूर्ति पूजा हो रही है, केदारनाथ में शिव जी के शिवलिंग पर हो रही है, बद्रीनाथ में हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। तो ये तो इनके लिए तो प्रूफ ही नहीं चाहिए, आप अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज हो तो आप इनको वैसे ही ध्वस्त कर सकते हो। बट यहाँ पर इन्होंने और भी सारी चीज़ें बोली हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, और फिर बोला था इन्होंने कि जो वेद है वो मोनोथिज्म में मानते हैं, यानी कि एक भगवान में मानते। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं, या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं। बट वेदांत ये कहते हैं वेदास का है लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम वो ये चीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी बहुत तगड़ी तरह से, कितने लोग फॉल्स प्रैक्टिसेस फैला रहे हैं, अंधविश्वास चल रहा है, मूर्ति पूजा पे बहुत भयंकर उनका वो था, और वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए भयंकर लेवल पे डिबेट किए। तो इसमें भी इनको शायद नहीं पता, आपने भी दो शब्द सुने होंगे, एक अद्वैत होता है और एक द्वैत। ये एक फिलोसफीज है हमारी, जो एक मानते हैं कि जो भगवान है वो एक है और हम सब उन्हीं से निकले हैं, हम उनको अपने से अलग नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि जो भगवान है वो हर किसी के अंदर, हर प्राणी के अंदर जो है, और एक मानते हैं कि हम लोग भगवान से अलग हैं, भगवान वहाँ हैं और हम उनके सारे एक तरह से सेवक जैसे मान सकते हो आप। तो ये हमारी दो बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इनको छोटे में बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हो सकता है मैं छोटे में ना समझा पाऊं और आप कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो फ्यूचर में इन सब पे वीडियोज़ आएगी, इनके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये दो फिलॉसफीज हैं। अब क्या है कि जो सारे अब्राहमिक कल्ट्स हैं वो मानते हैं कि भाई भगवान एक ही है, उनके अलावा कोई नहीं है, चाहे वो मूर्ति पूजा करते हैं फिर भी बोलते रहते हैं कि भाई मूर्ति पूजा नहीं, हम लोग नहीं करते, वो करते वो भी हैं। तो इनका जो सेकंड था कि भाई वेदों में जो है भगवान सिर्फ एक ही है, उनके अलावा कोई नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये हमारी दो फिलॉसफीज हैं। बट उसका भी मैं डिटेल में कभी एक्सप्लेन करूँगा, उसमें भी इन्होंने वर्ड प्ले करते हैं ज़्यादातर ये, अगर उनको नहीं समझ आता। और श्वेताब जी ने जो थर्ड पॉइंट बहुत बार यूज़ करा है कि जो वेस्ट वाले हैं उन्होंने भी जैसा हमारे वेदों में लिखा है वही चीज़ वो भी बोलते हैं, तो एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई जो हम अपने वेदों में पढ़ते हैं वही वो भी पढ़ते, वही उन्होंने भी डिस्कवर करा, तो बोलते हैं कि उनको भी हमको सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट बात यह है कि हमने उनसे हज़ारों साल पहले ले लिया, तो यहाँ पर समझिए कि अगर कोई ज्ञान पहले आया है और वही ज्ञान अभी कोई डिस्कवर कर रहा है तो कौन महान है, जो अभी डिस्कवर कर रहा है या फिर जो हज़ारों साल पहले कर चुका। तो हाँ, उनकी रिस्पेक्ट एज अ ह्यूमन, वो जो अगर सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें सीखते हैं और उनसे उनको महान नहीं माना जा सकता। बट जो हमारे यहाँ के योगी होते हैं उनको, हाँ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ के जो योगी मुनि हैं उनको कंपेयर किया है जो बाहर के सॉरी वेस्टर्न फिलोसफर्स को, कि वो भी यहाँ के योगी जैसे हैं। बट यही बात है कि हिंदुओं को एक तो पूरा ज्ञान नहीं है, वो योगियों को नॉर्मल मनुष्य की तरह मान के उनसे कंपेयर करते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी जहाँ पर मैंने सारा एक्सप्लेन करा कि मुनि कौन होता है, योगी कौन होता है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो वो बिल्कुल दोनों अलग चीज़ें हैं, ये फॉल्स कंपैरिजन, पता नहीं कौन कौन सी फैलेसी लेके आ जाते हैं, बट इनको यहाँ का नहीं पता। तो ये वाली वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनाई है, तो आपको कुछ कुछ इसमें कमियाँ लग सकती हैं, आप हमारी और वीडियो जाके देखिए और इस वाली वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जितने भी श्वेता आपके फैंस होंगे जिन्होंने भी वीडियो देख रखी है, उनका फ्यूचर के लिए यही बन जाएगा कि हाँ भाई हम भी एक ही भगवान को मानते हैं, अल्लाह उनका नाम है या फिर जीसस उनका नाम है, तो ये लोग ऐसे
बहक जाते हैं, तो आपको उनको बचाना है तो आपको वीडियो शेयर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा कि कोई भी इन पर वीडियो नहीं बना रहा, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि बड़े बड़े हैं, फिर भी किसी को भी इस पर ध्यान नहीं गया, शायद उन्होंने डिलीट कर दी इस वजह से, बट मेरा ध्यान गया, मैंने वीडियो बनाई। और आप क्या सोचते हैं, आपका व्यू क्या है, प्लीज़ कमेंट करिए, इसको फैला दीजिए हर जगह।